हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे भारत देश में जो रोज़मर्रा में हर एक नया फार्मेसी कॉलेज हर दिन ओपन हुए जा रहा है, और इससे हमारे फार्मेसी फील्ड में आगे चल के लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल अभी भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और काफ़ी चीज़ों पर उन पर इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है फार्मेसी फील्ड पर। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर में लॉन्ग टर्म पे इन बढ़ते हुए फार्मेसी कॉलेज से फार्मा फील्ड में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, और इस स्टेट की बात इसीलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि यहां पर इसका जो डाटा है उसको यहां पर सामने रखा गया है, जिसके रिगार्डिंग ही मैं आपको बताने वाला हूं, और आप एक स्टेट से ही ये अनुमान लगा पाएंगे कि हर स्टेट में, हर महीने में, हर साल में कितने ज़्यादा फार्मेसी कॉलेज ओपन होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि पिछले एक साल में यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पर खाली रह रही हैं डी फार्मा की और बी फार्मा की, आप यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पीसीआई जो है वो हर एक कॉलेज को यहाँ पर मान्यता दे देती है, जिसके रिगार्डिंग हर किसी को यहाँ पर 60-60 वैकेंसियाँ जो हैं कॉलेज में यहाँ पर दी जाती हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो 60 एडमिशन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अभी तक जो क्राइटेरिया था वो हर कॉलेज में हर सीट पे डी फार्मा और बी फार्मा का लगभग एक अंदाजन 60-60 सीटें ही हुआ करती थी। ये आंकड़ा अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर कुछ अपडेट वगैरह आए होंगे उस हिसाब से, लेकिन अभी तक का जो कारवा था वो यही था कि 60-60 सीटें आपको दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था कि पीसीआई जो है वो हर कॉलेज को यहाँ पर, जो भी फार्मेसी कॉलेज वहाँ पर अप्लाई करता है पीसीआई में मान्यता हेतु, तो उसको यहाँ पर पीसीआई जो है वो यहाँ पर मान्यता दे देती है, जिस कारण से यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एडमिशन जब लेने जाता है तो बहुत ज़्यादा सीटें होने के कारण और स्टूडेंट कम होने के कारण वो सीटें यहाँ पर खाली ही रह जाती हैं। और अगर पिछले एक साल में यहाँ पर महाराष्ट्र की ही बात करूँ तो यहाँ पर बी फार्मा में कुछ 14,000 सीटें खाली हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं एक रीजन कॉलेजों की बढ़ती हुई संख्या का भी एक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब कॉलेज इतने नंबर में ओपन हो जाएंगे और स्टूडेंट जो है वो कम ही रहेंगे तो सीटें जो हैं वो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर खाली रहने वाली हैं। तो यहाँ पर पिछले एक साल में महाराष्ट्र में 14,000 बी फार्मा की सीटें खाली रही हैं। और यहीं अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तो यहाँ पर 6,977 सीटें यहाँ पर खाली रही हैं पिछले एक साल में महाराष्ट्र स्टेट में। तो दोस्तों, जो यहाँ पर फार्मा फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर हर स्टेट में कॉलेजेस की संख्या डे बाई डे जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही है। अगर हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो इस साल 2023 में लगभग 136 कॉलेजेस जो हैं वो डी फार्मा के ओपन हुए हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ बी फार्मा के तो लगभग 57 कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने बी फार्मा के लिए, मतलब जो कॉलेज हैं वो ओपन हुए हैं बी फार्मा के। 2023 की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट की। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर 2023 में जो जितने भी कॉलेजेस ओपन हुए हैं यहाँ पर पीसीआई ने जो है वो मान्यता तो प्राप्त इनको करवा दिया है, मान्यता दे दी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रखूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो भी 2023 में जितने भी कॉलेज ओपन हुए हैं अगर पीसीआई का कोई मेम्बर वहाँ पे जाके अगर इसको चेक करे, कॉलेज की फैसिलिटी चेक करे, तो जो पीसीआई का रूल और रेगुलेशन है अगर उनके हिसाब से उस कॉलेज को चेक किया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो पीसीआई के रूल और रेगुलेशन पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे होंगे। और दोस्तों, इन नए कॉलेजेस को मान्यता क्यों मिल जाती है ये बात ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है और ना ही आपको मुझे, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा किसको माना जाता है और ये कॉलेजेस जो ओपन होते हैं नए कॉलेज ये किसके बलबूते पर मान्यता यहाँ पर ले लेते हैं, ये बात कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये बात सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में 137 कॉलेजेस डी फार्मा के और यहाँ पर 57 कॉलेजेस बी फार्मा के ओपन हुए थे महाराष्ट्र स्टेट में, और एक आंकड़ा ये भी है कि इस साल पूरे ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं आपको डी फार्मा और बी फार्मा को मिलाकर टोटल 628 कॉलेजों ने यहाँ पर पीसीआई में अपने मान्यता के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है कि भाई उनको मान्यता चाहिए, और यहाँ पर 628 कॉलेजेस और ओपन होने वाले हैं।
तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर PCI उसको अच्छे से चेक करेगा तो 628 में से कुछ कॉलेजेस तो ऐसे ज़रूर होंगे जो PCI के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते होंगे। लेकिन अगर PCI अच्छे से वर्क करे, मैं ये नहीं कहता वर्क अच्छे से कर नहीं रही होगी, लेकिन ये बात सबको पता है कि चाहे PCI हो गई, चाहे कोई भी काउंसिल हो गई, किसी स्टेट की काउंसिल हो गई, और वहाँ पर किस तरीके से काम होते हैं, कितनी लापरवाही से काम होते हैं, ये बात ना आपको मुझे बताने की ज़रूरत है और ना ही आपको मुझे, ये बात सबको ही पता होती है ऑलमोस्ट कि PCI और यहाँ पर किसी भी स्टेट काउंसिल में कैसे काम होते हैं। तो अब बात आती है 628 कॉलेजों की, अगर सोचो अगर उनको भी मान्यता अगर PCI दे देता है तो आगे चल के फिर कितने ज़्यादा कॉलेजेस ओपन होंगे और कितनी ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर में ये ज़रूर इफेक्ट पड़ता है कि हमारी डी फार्मा या बी फार्मा की जो भी एजुकेशन की बात अगर आई तो भाई उनकी क्वालिटी एजुकेशन पर ज़रूर फ़र्क होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करी जाए जो हाल ही में जो डी फार्मा के कॉलेज यहाँ पर ओपन है उनमें बताया जा रहा है, ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 37,690 टोटल सीट हैं डी फार्मा, और जहाँ पर टोटल सिर्फ 30,713 सीटें ही भरी गई हैं। तो जितनी भी आपकी बची हैं आप अंदाज़ा लगा लो कि इतनी सीटें जो हैं वो खाली गई हैं 2023 में। तो दोस्तों अगर मैं यहीं पर बात करूं बी फार्मा के जो कॉलेज हैं वो महाराष्ट्र राज्य में टोटल 453 कॉलेज हैं, और यहाँ पर 453 कॉलेज के पास लगभग 42,000 कुछ सीटें हैं, जिसमें से लगभग 28,000 ही सीटें भर पाई हैं और 14,000 सीटें जो हैं वो अभी भी खाली रह गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों जिस हिसाब से ये सीटें खाली रह रही हैं इसका कहीं ना कहीं कारण एक यही है कि जो बढ़ती हुई जो कॉलेजेस की संख्या है वही कहीं ना कहीं एक जो सीटें खाली रह जाने का एक मेन फैक्टर भी यहाँ पर बन जा रही हैं। और दोस्तों जिस तरीके से भाई यहाँ पर राज्य में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी भी राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से भाई यहाँ पर कॉलेजेस जो ओपन हो रहे हैं ना फार्मेसी के, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो भाई कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर तो यहाँ पर दोस्तों भेड़ चाल वाली रेस हो जाएगी जहाँ पर भाई हर किसी को सिर्फ भेड़ चाल में फंसना है। तो यहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दो शब्द आपने सुने होंगे, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्वांटिटी के बेस पे हमेशा क्वालिटी को ही सिलेक्ट करते हैं। तो भाई क्वांटिटी के पीछे ना भागकर क्वालिटी को ही चुनो, ऐसा मेरा भी कहना है और ऐसा आप लोगों का भी बहुत लोगों का कहना होगा। तो जिस प्रकार से भाई कॉलेज खुल रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आगे चल के या अभी भी यहाँ पर जो कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्वालिटी के साथ ज़रूर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जरूर जा रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया फार्मेसी टीचर एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिलिंद उमेकर जी ने, उनका यहाँ पर ये कहना है कि PCI ने हाल ही में जिन कॉलेजेस को यहाँ पर मान्यता दी है अगर उनका सही से निरीक्षण किया जाए, उनमें जो यहाँ पर उपकरण जो भी प्रोवाइड कराने हैं PCI के रेगुलेशन के हिसाब से अगर उनको जांचा जाए, उनका परीक्षण किया जाए, बाकायदा कॉलेजेस में जाकर देखा जाए, तो अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर अभी भी उनके नियमों पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, ऐसा मिलिंद उमेकर जी का कहना है। तो दोस्तों मिलिंद उमेकर जी का ये भी कहना है कि यह कंडीशन जो इस समय फार्मेसी कॉलेज की है एक टाइम पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी थी, और उन्होंने इस सब का जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट को एक तरीके से ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन बढ़ते हुए कॉलेजेस को रोक सकती है, उन पर जो एक तरीके से है रोक लगा सकती है, अगर गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन को थोड़ा सही करे तो यहाँ पर बढ़ते हुए कॉलेज पर एक तरीके की रोक को लगाया जा सकता। और दोस्तों उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बात भी हाईलाइट करी थी कि जिस हिसाब से आप देखते हैं कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, अगर वैकेंसी पहली बार तो आती नहीं है, अगर आ भी जाती है तो उनको जो लोग हैं मतलब कि जो लायक लोग हैं उस नौकरी के उनको जगह देने में इतनी दिक्कत आती है। यहाँ पर जो भी बात कर लें UPNHM की, तो हम देख रहे हैं भाई 17,000 पे वैकेंसी आई थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, दिसंबर 2022 में कुछ पेपर वगैरह हो गए थे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर UPNHM फेस कर रहा है। या और भी अगर बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जो भाई फार्मेसी की वैकेंसी निकालता है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही माहौल रहा तो भविष्य में फार्मासिस्ट की जो जॉब है उसके जो अवसर हैं
वो भी घट जाएंगे और लोगों का जो एक तरीके से इंटरेस्ट भी है वो फार्मेसी फील्ड में भाई कम हो जाएगा। और मेरा मानना है बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने सही बात बिल्कुल बोली है कि जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो भाई उन पे पदों पर लोगों को नियुक्त भी तो कीजिए। यहाँ पर वैकेंसी निकले हुए आप ये समझ लो कि इतने इतने महीने हो जा रहे हैं और ना कोई रिजल्ट का पता है ना ही भाई किसी चीज़ का पता है, तो इससे कहीं ना कहीं भविष्य में फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं उनके अवसर ज़रूर कम होंगे। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज जो ओपन हो रहे हैं ना जिस स्पीड से, तो भाई इस स्पीड अगर ऐसी स्पीड रही ना इनकी तो आप ये समझ लो कि बेरोजगारों की संख्या भाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो फार्मेसी एजुकेशन है उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, PCI को सही थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और सिर्फ उन्हीं कॉलेज को मान्यता देनी चाहिए जो PCI के रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। भाई हर किसी को मान्यता देने की क्या ज़रूरत है, इससे तो कहीं ना कहीं भाई फार्मेसी जो बंदा करना चाहता है और अगर वो कर भी लेगा तो भाई वो लास्ट में जाकर रह तो बेरोजगार ही जाएगा ना, क्योंकि आप वैकेंसी देते हो वैकेंसी को फिल करते हो नहीं। तो दोस्तों अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैंने दिसंबर में पेपर दिया था यहाँ पर UPNHM का, ठीक है 17,000 वैकेंसी में जो फार्मासिस्ट की भी उसमें वैकेंसी थी। और अब आप सोच सकते हैं अक्टूबर आ गया है और उस वैकेंसी का भाई कोई दूर दूर तक आता पता नहीं है कि उसका रिजल्ट का क्या हुआ, उसका जो भी मेरिट वगैरह, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो मेरिट वगैरह की तो हम क्या ही बात। तो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो में बस मेरे को यही बताना था कि भाई जिस हिसाब से जिस स्पीड से यहाँ पर फार्मेसी कॉलेजों की संख्या डे बाई डे बढ़ रही है उससे हमारी फार्मेसी की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी एजुकेशन है उस पर भाई ज़रूर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और इसका हमें लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोग इन बढ़ते हुए कॉलेजों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपकी राय क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।